जय दादा देव की। और देखो, आज सुबह 3:30 बजे ही जेठ जी हमारे दादा देव मंदिर में आए हैं, मतलब हेल्प के लिए। ये डेली आते हैं 4 बजे, लेकिन आज 3:30 बजे ही आए हैं, क्योंकि अन्नकूट बनेगा तो उसकी तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे देखो, सारी तैयारी करवा रहे हैं साथ में ही। और यहाँ पे सब्जी वगैरह कट चुकी हैं, और बाजरा चढ़ चुका था अन्नकूट के लिए। और देखो, सभी लगे हुए हैं, और बहुत मेहनती है हमारे जेठ जी शुरू से ही। मतलब इनकी, मतलब वो होती है ना दादा देव के प्रति आस्था वाली बातें, ये झाड़ू पोछा वगैरह, मतलब मंदिर की सारी साफ सफाई करते हैं ये यहीं पर आके। और मम्मी डाल रही हैं गोवर्धन, और मम्मी जी यहाँ पे डालने लग गई थी गोवर्धन। देखो गोबर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? हैप्पी गोवर्धन सभी को। और मम्मी देखो गोवर्धन डाल रही हैं, और हम गोबर का ही डलता है गोवर्धन। और ये ज़्यादातर सभी के घरों में पूजा जाता है। अब शहरों में तो मतलब गोबर वगैरह मिलता नहीं है, तो फूलों के भी बनाने लग गए हैं, नहीं तो ये गोबर से ही बनता है। तो हम तो अभी पुरानी रीत पे ही चल रहे हैं, हमने तो गोवर्धन बनाया है। और देखो मम्मी कितना सुंदर बना रही हैं, ये दोनों हाथ बना दिए हैं, अब दोनों पैर बनाएंगी। और ये पैर बना दिए हैं, और ये दोनों तरफ देख पैर बन चुके हैं। पैर बन के रेडी। अब ये उनकी उंगलियां और अंगूठा बना रही है मम्मी, मतलब सारे ये माथा बना दिया, नाक आंख मुंह सारी चीज, कान, ये बीच में सुंडी, इसके अंदर दिया जलेगा। और दो पैर अभी हमने सुबह ही बनाया है, तो इसमें हम दूध और खील मखाने रखेंगे। ये बन चुका है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी ने फूलों से सजाया है इसको, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में भी। और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, और कितना सुंदर बनाया। जय हो गोवर्धन महाराज की, जय हो। और ये दूध रख दिया था, और साथ ही में वो हेलो माय पढ़ा यूट्यूब पढ़ने के फैमिली, और लिए आज वो देखो टोपी अन्नकूट और वो भी आया रखी है थी, और खाट बाजरा, बिछा दी थी इसे, मतलब इसी धूप में भी ना मैंने वो लगे, मिला दिए हैं, और क्या ये बोलते हैं मतलब कोई चोड़े बच्चे वगैरह इसके होते ऊपर हैं चढ़ वो, भी ना ये पाए, उठाट भी कढ़ी ना पाए, और इसलिए ये खाट रख मिक्स दी थी, उस पर सब्जी, चादर बिछा दी थी। ये अन्नकूट होता है, ये आया और है, ये और अब अब थोड़ा मेरे थोड़ा पापा प्रसाद जाएंगे, उनके लिए खाएंगे। खीर बूंदी है मैंने। और देखो अन्नकूट आया है मंदिर से, बाजरा कढ़ी और मिक्स सब्जी आई है, कढ़ी और मिक्स सब्जी, और जो जिसको खानी हो आ सकता है। अन्नकूट प्रसाद जरूर खाना चाहिए। और अब शाम की हम पूजा कर रहे थे, यहाँ पे नायरा के पापा ने जोत जला दी थी। और ये मतलब ऐसी परंपरा है कि जिस थाली से दिवाली की पूजा हम करते हैं, जो पूजन करते हैं, उसी थाली से ही होती है, उसके बाद ही मतलब थाली को खाली किया जाता है। तो ये मतलब दीपावली की ही पूजन की थाली थी, इसी में ही किया जा रहा है सब कुछ। और हमारी रिद्धि को तो हर चीज़ में होता है, पापा करें मैं भी करूँगी, तो अभी सभी के तिलक लगाएगी दोबारा से, नहीं पापा मैं करूँगी। और इधर नायरा को लग रहा है मैं करूँगी, लेकिन अब रिद्धि कर रही है हमारी सबके तिलक, मेरे भी निकाला है उसने। और अब माँ जी के भी निकाल दिया है,
और ये नायरा के पापा भोजन की सारी तैयारी कर रहे थे यहाँ पे, पापा जी के नाल बांध रहे हैं। और सभी के दोबारा दोबारा तिलक लगा रही है, क्योंकि बच्चों के ऐसे होता है ना, पापा ने किया मम्मी ने किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे, तो वही कर रही है। अब बाबा के भी लगाएगी दोबारा से। और अब ये मोनू भैया के बन रहा है नाल। और ये नाल बन चुका था। बाण सरोवर गिरवर दे, गिरवर की पर कमा दे, पैंड पैंड चरनावृत दे, गिरवर दे वर की पर कमा दे, पैंड पैंड चरनावृत दे, गिरवर की पर कमा दे, पैंड पैंड चरनावृत दे, सिरवर दे गिरवर की पर कम्मा दे, पैंड पैंड चरनावृत दे, गिरवर दे गिरवर की पर कम्मा दे, पैंड पैंड चरनावृत लग रही है। सिरवर दे गिरवर की पर कम्मा दे, पैंड पैंड चरनावृत दे, सिरवर दे गिरवर की पर कम्मा दे, पैंड पैंड चरनावृत दे। जय अपनी जगह पर था सब वहीं बैठ गए। परकम्मा लगाने मतलब हमारे ऐसी मान्यता है कि हमारे लेडीज परकम्मा गोवर्धन पे मतलब पूजते हैं। वैसे तो लगा जाती हैं गोवर्धन के जाते हैं वहाँ पे तो, लेकिन वैसे घर में बना के पूजते हैं, माँ लगाती है, लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते हैं, तो हमारी रीति साथ में लगी हुई है और ये साथ हो चुकी है। आगे से धूप खा रही है, बच्चे को नहीं रहता है ध्यान, ऐसे ही होते हैं बच्चे। तो पापा ने खाया है वैसे खाएगी दोख। मतलब शैतान करती है ये वाली बहुत ज्यादा शैतान करती है। इस वाला पे हमारे रेंट पे रहते हैं, उनके छोटा लड़का है आज, उसको बुलाने के लिए गए हैं, अब आ जाएगा तो ठीक है। जो छोटे बच्चे से ही हमारे पैर लगवाते हैं, सीधा रहो, पैर लगा, वीडियो बन रही है, सबकी बन रही है, जल्दी खाओ, जय हो, पैर लगा दिया था की जय हो। सब होता है कि मतलब पैसे वगैरह दिए जाते हैं, प्रसाद वगैरह। अब नायरा पकड़े की पापा जी ने पैसे दे दिए थे। अब फिर ये अंश भी आ गया था, तो मैंने ये बाद में आया था, बोले कोई बात नहीं दोनों आ जाएंगे, तो दोनों की ही मतलब पैर लगा देते। फिर हमारी रिद्धि हर चीज की कॉपी करती है, अब उसने पैर लगाया तो इसने भी पैर लगाया, अब सबने धोखा ही तो दोबारा इसने खाई है, तो मतलब सबके साथ कर रही थी ये दोबारा दोबारा से ही। और ये पुनम थी, उसने भी दो खाई थी, उसके बाद की कहानी आई हूँ, मम्मी भी आई है।